हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज क्या हुआ और आज हाईकोर्ट में जो था उसका हियरिंग का क्या हुआ, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। हमारी टीम राइट टाइम पे बाय करती है, राइट टाइम पे सेल करती है और आपके पोर्टफोलियो को रखती है प्रॉफिट में। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज क्लोजिंग दिया 16.70 में, 1.20% आज भी डाउन था। आज तो मार्केट डाउन था तो उसमें कोई ऊपर जाने का सवाल ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब यह शेयर मार्केट के हिसाब से चलेगा, जब तक कोई बड़ी धमाकेदार पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट के हिसाब से ही शेयर चलेगा। वैसा ही आज आपको देखने को मिला, जबकि 17.05 का हाई लगाया था, बट रोज़ का वही हो रहा है, ऊपर खुलता है बट बाद में सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है। एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम भी अभी थोड़ा सा ड्राई होते जा रहा है क्योंकि लोगों का ध्यान अभी दूसरे शेयर्स में है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए ज़्यादा इसमें बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। फिर भी 1 करोड़ का वॉल्यूम ठीक ठाक है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 55% की डिलीवरी आज उठाई गई, तो वो भी जो एवरेज 50-60% के आसपास चल रहा है, अभी वही मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। एम ऑर्डर की बात करें तो 1700 शेयर्स का एम ऑर्डर लगा हुआ है, 1700 शेयर का सेलिंग के लिए लगा हुआ है एम ऑर्डर, जो कि निग्लिजिबल है, कोई ध्यान देने लायक नहीं है। हाईकोर्ट में आज भी कुछ हुआ नहीं, हियरिंग जो चल रहा है जो हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट में ईडी के अगेंस्ट में जो कंपनी ने अपील किया है उसका हियरिंग आज भी हुआ था, बट आज भी उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। वो नेक्स्ट डेट दी है तेलंगाना हाईकोर्ट में 23 नवंबर, 23 नवंबर को अगली डेट दी गई है हियरिंग के लिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के केस के लिए। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, अगर कोई कारण से अगर ये हाईकोर्ट की केस भी विड्रॉ हो जाती है, स्क्वाश हो जाती है, खारिज हो जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हमारे शेयर के लिए साबित हो सकता है। तो जब तक कोई इसमें न्यूज़ नहीं आती है कि ईडी ने जो अपना चार्जशीट है वो फाइल करते कि नहीं हाईकोर्ट में, इम्पोर्टेंट बात रहेगी, या ईडी विड्रॉ कर लेता है, बैकआउट कर लेता है कोई सबूत नहीं होने के कारण या कोई प्रूफ देने के नहीं कारण, अगर वो विड्रॉ हो जाता है तो ये बड़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी, क्योंकि एक बात क्लियर हो जाएगी कि ईडी के कोई चार्जेस नहीं है। बट वही अगर ईडी ने अपना चार्जशीट वहाँ फाइल कर दिया हाईकोर्ट में और उन्होंने बताया कि हमें ऐसे कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं जिसके कारण हम इसमें केस आगे चलाएंगे और इंक्वायरी और आगे करेंगे, अगर ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ दे दिया हाईकोर्ट में, तब तो ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी और फिर से शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईडी का केस चल रहा है, इसका भी न्यूज़ क्या आता है तेलंगाना हाईकोर्ट से, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है आने वाले दिनों में। बट अब सवाल यह है कि 23 को भी कुछ डिसीजन होता है कि नेक्स्ट डेट मिलती है, क्योंकि हर बार नेक्स्ट डेट मिल जाती है कुछ उसमें कंक्लूजन निकलता नहीं है, बार बार अगली डेट दी जा रही है। तो अभी इसका भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा कंपनी ने जो एनएससी बीएससी से रिक्वेस्ट की है फॉर एक्सटेंशन ऑफ Q2 रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जो टाइम मांगा है, एज न्यू ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं अभी, तो बिकॉज ऑफ न्यू ऑडिटर इट विल टेक टाइम, तो वो एक्सटेंशन का भी न्यूज़ अभी आ सकता है, बट वो न्यूज़ के कारण कोई बड़ा बदलाव शेयर के प्राइस में नहीं होगा, बट ठीक है। तो ये दोनों भी देखना है कि अभी क्या ट्रिगर आता है कंपनी की ओर से, CEO CFO के न्यूज़ आती है क्या, तो वो बड़ी ट्रिगर साबित हो सकती है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट आदमी रहेगा वो किस कैलिबर का है, किस एक्सपीरियंस का है, उसके ऊपर भी मार्केट उस पर रिएक्शन देगा। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए और जो हमारा शेयर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो सुस्त चल रहा है, स्लो चल रहा है, वो फिर से हमें भागते हुए नज़र आए। अभी तक सर्किट लिमिट भी 20% हुआ नहीं है, हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं ASMLE से बाहर निकलने के लिए, बट अभी तक भी इसमें कोई सर्किट लिमिट चेंज नहीं हुआ है। तो देखते हैं सर्किट लिमिट भी कब चेंज होता है ब्राइटकॉम ग्रुप का 20%, हो सकता है उसके बाद हमें बिग मूवमेंट देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।